अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को SMS आ रहे हैं रीअपियर वर्कशॉप के हवाले से, और सोशल मीडिया पर भी बहुत सी न्यूज़ चल रही है रीअपियर वर्कशॉप के हवाले से। जो मैसेज स्टूडेंट को मिल रहे हैं रीअपियर वर्कशॉप के हवाले से, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। ये मैसेज कल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को मिला है, तो वो इस मैसेज को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि ये क्या चीज़ है और हमें इसका क्या करना है। तो आपने परेशान नहीं होना, आज की वीडियो आपके लिए, मैं आपको तमाम बताऊँगा कि ये मैसेज क्यों आया आपके लिए और रीअपियर वर्कशॉप का क्या मतलब होता है और ये कैसे आपने अटेंड करनी है, कहाँ पर जाके आपने अटेंड करनी है और कब आपने अटेंड करनी है। हवाले से जो भी आपके सवाल है, तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह इनको कवर कर दूँगा। आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, इससे आने वाली तमाम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की न्यूज़ और वीडियोज़ आपको मिल सकेंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किन क्लासेस के लिए। मैट्रिक, FAICOM, BA, BCOM, ये इन क्लासेस के लिए नहीं और इनकी वर्कशॉप नहीं होती, ये BEd की वर्कशॉप होती है। ये उनके हवाले से मैसेज है। ये मैसेज में ये कहा गया है कि वो स्टूडेंट जिनकी आटम 2019 और स्प्रिंग 2020 की वर्कशॉप रह गई थी, यानी कि पिछला सेमेस्टर और उससे पिछला सेमेस्टर अगर आपकी वर्कशॉप रह गई थी, तो वो आप इस सेमेस्टर में ले सकते हैं दोबारा रीअपियर वर्कशॉप। और ये मत समझना कि आटम 2020 की वर्कशॉप और ये वर्कशॉप एक जैसे हैं, ये दोनों अलग हैं। एक रीअपियर वर्कशॉप है और एक सेमेस्टर वाली वर्कशॉप है। जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं वो आपकी सेमेस्टर की वर्कशॉप है, जो SMS है वो रीअपियर वर्कशॉप का है। तो अभी आपने कब अटेंड करनी है, 19 डेट दी हुई है SMS के ऊपर, बैच नंबर 1 की 19 डेट है कि 19 डेट से ये वर्कशॉप स्टार्ट होंगी। अभी स्टूडेंट परेशान है कि हमने कहाँ जाना पड़ेगा वर्कशॉप लेने के लिए। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपकी वर्कशॉप अगाई LMS पोर्टल के ऊपर होंगी, जिस तरह बाकी वर्कशॉप हो रही है उसी तरह यही वर्कशॉप होंगी। तो अभी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कोई भी लिंक को अपडेट नहीं किया। जैसे ही कोई लिंक अपडेट होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। मेरे चैनल पर आपको तमाम मालूम इस हवाले से मिल जाएंगी। आज तक की जो मालूम है वो ये है कि आपकी जो वर्कशॉप है वो अगाई LMS पोर्टल पर होनी है, रीअपियर वर्कशॉप होनी है। स्प्रिंग 2020 और आटम 2020 की जिन स्टूडेंट की वर्कशॉप रह गई थी, वो अब अपनी वर्कशॉप ले सकते हैं अगाई LMS पोर्टल पे। इसके बाद की जो मालूमात आएंगी तो वो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आज की वीडियो यहाँ तक थी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।